गोरखपुर खेल महोत्सव के अंतर्गत सिविल लाइन रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में 7 दिवसीय खेल प्रतियोगिताओं का समापन किया गया, जिसमें वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, बालक बालिका, हैंडबॉल, हॉकी, बॉक्सिंग प्रतियोगिताओं में विजेता टीमों एवं खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरण किया गया, जिसके मुख्य अतिथि ग्रामीण विधायक विपिन सिंह रहे। क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी आले हैदर ने बुके एवं स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि वॉलीबॉल बालक वर्ग फाइनल मैच रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम गोरखपुर बनाम वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज के मध्य खेला गया, जिसमें रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम गोरखपुर की टीम ने वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर की टीम को 25-23 एवं 25-22 अंकों से पराजित कर विजेता बनी। वॉलीबॉल बालिका वर्ग फाइनल मैच वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज बनाम रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम गोरखपुर के मध्य खेला गया, जिसमें वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर की टीम ने मैच में रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम गोरखपुर की टीम को 25-21 एवं 25-19 अंकों से पराजित कर विजेता बनी, तथा जिला स्तरीय बॉक्सिंग बालक वर्ग प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर 44 किलोग्राम ईशांत यादव, प्रिंस गुप्ता, आदर्श कुमार, 46 किलोग्राम निखिल कुमार, विनित कुमार यादव, नितिन, 48 किलोग्राम मोहम्मद सफीउल्लाह, प्रिंस जायसवाल, जितेंद्र कुमार, 50 किलोग्राम सचिन यादव, सुब्रत यादव, आदित्य कुमार रहे, तथा सभी विजेता खिलाड़ियों को खेल विभाग की तरफ से पुरस्कार प्रदान किया गया, जिसके संबंध में ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने बताया कि गोरखपुर महोत्सव हर साल मनाया जाता है, लेकिन बीच में कोरोना काल की वजह से स्थगित कर दिया गया था, लेकिन इस बार बहुत ही धूमधाम से गोरखपुर महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें गोरखपुर खेल महोत्सव में तमाम खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया और विजेता बने। उन्होंने कहा कि यही बच्चे आगे चलकर भारत माता का मान सम्मान बढ़ाएंगे और देश की सेवा करेंगे। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश हॉकी संघ के उपाध्यक्ष धीरज सिंह हरीश, पार्षद रणजय सिंह उर्फ जुगनू, बीएन मिश्रा, विनोद चौरसिया, अंगद सिंह, विष्णु सिंह, हनुमान प्रसाद, अरुण शुक्ला, मुकेश सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने कहा, आ चुके हैं श्री विपिन सिंह जी, मैं उनका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। श्री धीरेन सिंह को मनोबल बढ़ाने के लिए हमेशा उपस्थित। से हम लोग आते हैं आपके अपने गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य महाराज श्री, लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कमान संभाले हैं। मित्रों, बहुत कुछ गोरखपुर में हो रहा है। गोरखपुर महोत्सव अगर चल रहा है तो लगातार पूज्य महाराज श्री गोरखपुर में हफ्ते में 10 दिन में 15 दिन में जब भी आते हैं, गोरखपुर वासियों को हमेशा नई नई सौगात देकर ही जाते हैं। मित्रों, नौजवान साथियों, आप लोग मेहनत करें, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में चाहे स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, निश्चित है मित्रों आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। यह आप दृढ़ संकल्पित होके अपने लक्ष्य को टारगेट करके काम करिए, निश्चित है उस लक्ष्य को आप प्राप्त करेंगे, क्योंकि इस सरकारों में कहीं से कोई बैकडोर से किसी की एंट्री नहीं है। पूरी पारदर्शिता के साथ, चाहे भारत सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। हमारे सेना के जवान, इन लोगों का भी हौसला हमारे प्रधानमंत्री जी ने बॉर्डर पर जाकर के दिवाली मना करके अभी एक आज निर्णय हमने कोर्ट का और पढ़ा है कि पेंशन अर्धसैनिक बलों को भी पेंशन मिलने जा रही है। चलिए बधाई है, कम से कम आप लोगों को भी पेंशन मिलेगी, चाहे जैसे भी मिले, क्योंकि आप लोग जाड़ा गर्मी बरसात आप ही लोग सीमाओं पर रह करके भारत माता की रक्षा करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। और अब वो समय आ गया है कि जब खिलाड़ियों को इंतजार है। मैं अनुरोध अदब और एहतराम से आज के मुख्य अतिथि माननीय विधायक श्री विपिन सिंह जी से कि कृपया वही उस बालिका वर्ग प्लेयर आकर के रिसीव कर लें। अंडर 19 ने शुक्ला,
जो ऑफिशियल्स हमारे हैं उसके अंदर में राजेंद्र सिंह सैनी, मिस्टर विजय चहल, मिस्टर सलीम, कृपया ऑफिशियल्स का पुरस्कार आप ग्रहण कर लें माननीय अतिथि महोदय से। विवेक कुमार, सुयादव, पवन कुमार और मोहम्मद सफीउल्लाह 50 किलो भार वर्ग में सचिन आदित्य कुमार, ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई देता हूं आपको। वॉइस का काम वॉइस सभी खिलाड़ी अरे बैठे रहो यार, इतना कहीं भाग रहे हो। गोरखपुर महोत्सव हर साल गोरखपुर में मनाया जाता था, क्योंकि बीच में कोरोना काल के नाते थोड़ी दिक्कत हुई, तो आज स्पोर्ट्स का एक कार्यक्रम था जिस 17 तरह की हमारी प्रतिभागियों ने 17 प्रतियोगिता में भाग लिया है। और गोरखपुर खेल महोत्सव चूँकि मुख्यमंत्री जी का शहर है, तो निश्चित है यहाँ हमारे स्पोर्ट्स कॉलेज के चाहे क्षेत्रीय क्रीडांगन में जो भी हमारे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, खेलते हैं, उनका अच्छा प्रदर्शन रहा और निश्चित है ये आगे चल के बहुत आगे निकलेंगे, भारत माता का मान सम्मान बढ़ाएंगे, यही हम लोगों की कामना है। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, यशस्वी मुख्यमंत्री जी नौजवानों के लिए जितना काम कर रहे हैं, निश्चित है इनका भविष्य उज्ज्वल है, आगे इन लोगों को तमाम सरकारी नौकरियों में भी स्थान मिलेगा, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स भी जरूरी है और उस पर हमारे सब युवा जोर दे रहे हैं। हमारी बहनें हैं सभी, जब भी स्पोर्ट्स में भाग लेती हैं, अच्छा प्रदर्शन करती हैं, उनके उज्ज्वल भविष्य की हम कामना करते हैं।